अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अफ्तारी में बना रही हूँ पोटैटो ट्विस्ट रोल। ये देखिए, और मैंने बना दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। मैं आपको अभी बताऊंगी, इसकी शॉर्ट वीडियो भी गई है, फिर भी आपको मैं करके दिखाती हूँ कैसे बनता है। तो ये देखिए, एक मैंने पेड़ा लिया, इसमें ना थोड़ा नमक, अजवाइन और ऑयल डाल के इसको मैंने भून लिया सिंपल डो की तरह मैदे को। अब हम लेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल आलू का, इसमें ना मैंने सारी जो वो होते हैं मसाले डाले हैं बॉयल आलू में, और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला। इसको इस तरीके से रख करके हमें इसको बंद कर देना है, बस सिंपल जैसे हम आलू पराठा बनाते हैं उस तरीके से। इसमें बस कॉर्नफ्लोर जरूर डालना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से इसमें बाइंडिंग आ जाएगी आलू के अंदर, आलू बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें इसको ट्विस्ट देना है। इसको सिंपल सा हम बेल लेंगे। अब इसको नीचे से इस तरीके से हम कट कर देंगे, इसको भी फ्राई कर देंगे और इसको हम ट्विस्ट देना शुरू करेंगे, और इसको इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। इसके कम से कम 6-7 पीस कर देंगे ताकि हम इसको ट्विस्ट दे सकें इस तरीके से। ये आप बना के देखना अफ्तारी में, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये छोटा सा भी हो गया, ये देखिए इसको पकड़ेंगे, इसको इस तरीके से ट्विस्ट दे दिया, ये हो गया। जहाँ लगता है एक आता है एक बल दो, जहाँ लगता है दो तो दो दीजिए। इसको इस तरीके से हमने दे दिया, ये देखिए ट्विस्ट दे दिया। हमें सारे कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो आपको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, ये देखिए ये ट्विस्ट को हमें इस तरीके से, और जो ये कोना हो जाता है ना, इसको यहाँ हमें इस तरीके से चिपका देना। ये चिपक जाता है, आप करके देखना, आराम से चिपक जाता है। ये इसको इस तरह, इसको इधर ऐसे, ये सारा हमें इस तरीके से चिपका देना। ये हमारा रोल बन गया। ये इसको फिर हम इस तरीके से कर देंगे, लो ये बन गया। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे। एक तो पहले से ही हो रहा है फ्राई, कढ़ाई थोड़ी छोटी है मेरी, देखते हैं दूसरा आता है कि नहीं। ये जो साइड बच जाती है ना, उसको भी आप फ्राई कर लेना, आया नहीं करना। ये भी, ये देखिए एक तो हो गया, जैसे मैं और जगह बनाती हूँ। इसको भी हम बिस्मिल्लाह, इसको भी हम साथ में डाल दिया, ये देखिए। अब इसको हाई टू लो फ्लेम करके हमें अच्छे से, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। अब और मुझे बनाना है राजमा दाल, बस फ्राई चीज मैं यही बना रही हूँ, ठीक है। शरबत बना रही हूँ, तो आपसे कई बार शेयर किया है मैंने, और मैंने खाने में बन चुका है अफ्तारी के लिए, और खाने में बनाया है मैंने दही वाले राजमा। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनते हैं दही वाले राजमा। तो बस आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो बस अब अजान होगी तो अब मैं आपसे मिलूंगी कल, या देखूंगी अगर सहरी में हो सका, मुनीब नहीं उठेगा फिर सहरी भी आपसे मैं शेयर करूंगी, वरना मैं आपसे कल मिलती हूँ। ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, मुनीब साहब यहाँ से बारिश का, मुनीब इधर देख मुनू तो ये बारिश को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से। तो मौसम बहुत ठंडा है, ईद तक ऐसे ही मौसम रहेगा। ये बेचारा कंबल को धोया था पर हो नहीं पा रहा, जो सूखे, तो इसको ऊपर डालूंगी अब मैं। अब मैं जा रही हूँ किचन, घर का सारा काम करने, तो अभी सब काफ़ी काम पड़ा है। तो आज मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, तो आज मैंने सारे डब्बे शब्बे धोने हैं, इधर की मैंने अभी सफाई की है। तो ये भी बर्तन धो के मैंने सारा ही साफ़ किया, तो बस अब ये थोड़े से रह गए हैं डब्बे, और थोड़े कप वगैरह हैं, टोकरियाँ यही धोनी हैं, तो मेरी किचन की सफाई हो जाएगी। तो ऊपर से भी मैंने एक बार में नहीं किया, ये मैंने कल किए थे सारे, तो आज मैं ये सारा धोऊंगी, और साथ ही मैं धोऊंगी ये कपड़े। ये देखिए कितने सारे कपड़े अभी इकट्ठे हो गए हैं, अब मुझे ये भी धोना है। तो पहले मैं मशीन लगाऊंगी, उसके बाद ये डब्बे धोऊंगी। ये देखिए इधर से सारा काम हो गया। मुनीब इधर देखो, तो मुनीब साहब अंडे खा रहे हैं। हैं, आज हमारे साथ नहीं इफ्तार करोगे? तो बस मैं जा रही हूँ किचन का, भी मेरा आधा का वो धो दिए मैंने, जो डब्बे वगैरह रखे थे वो धो दिए। अभी इधर साइड बाकी है, देखिए इधर अभी गंदा है, इधर मारूंगी अभी, क्योंकि किचन का मैं कर रही थी ना। तो ये देखिए मैंने सारे डब्बे धो दिए हैं, बस इनका सूखने का वेट है, सूख जाएंगे फिर मैं यहाँ लगाऊंगी, बाकी सारा तब ठीक करूंगी, जब तक ये डब्बे अभी गीले हैं। ये देखिए इन पर अभी पानी है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, जो मशीन लगाई है ना, तो पहले मैं मशीन से कपड़े निकाल लूँ। तो ये देखिए मशीन लगाई है, अब मैं इसे कपड़े निकाल के ना, अभी इतने अभी डाले हैं, इतने अभी और पड़े हैं जो मुझे धोने हैं। तो ये देखिए किचन की सेटिंग मैंने कर दी है, ये देखिए सारा मैंने साफ करके लगा दिया है, इधर से भी सारी सफाई कर दी है। तो आज मैं खाने बनाऊंगी टमाटर और अंडे,
अंडे भी बॉईल कर दिए हैं और मैं बनाऊंगी, आलू भी बॉईल किए हैं। इसका मुझे बनाना है लेयर वाला क्रिस्पी कचौड़ी, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, बॉईल कर लिया है। तो अंडे टमाटर इसलिए बना रही हूँ, कल मैंने राजमा बनाए थे वो भी देखिए पड़ा हुआ है। रमजान में बहुत खाना बचता है तो इसलिए वो कम ही बनाती हूँ, फिर भी बहुत बरकत होती है रमजान के महीने में। तो बस अब बस मेरे कपड़े धोने रह गए हैं और खाना बनाना रह गया। मुनीषा देखो बाहर कैसे देख रहे हैं, देखिए सुबह तक कितनी बारिश थी, अब देख तो ये देखिए कितनी धूप निकल आई है। सुबह कितनी बारिश थी, अब फिर से मौसम सही हो गया है, रात भर बारिश होती है। तो जब मैं अब खाना बनाऊंगी, मुनीप क्या देखना है देखो, तो ये देखिए अब मैं पहले मैं बना रही हूँ रात के खाने के लिए टमाटर और अंडे। अंडे मैंने फ्राई कर दिए, टमाटर को मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, लहसुन का तुलका दे के टमाटर, फिर नमक और मिर्च डालती हूँ। तो इधर साइड से ना मैं बनाना ना लेयर वाली कचौड़ियाँ उसकी भी तैयारी कर ली है। आलू उबाल के मैंने मैश करके रख दिया, ये हरी मिर्च प्याज और धनिया मैंने एक साइड से रख दिया। जब ये बन जाएगा उसके बाद मैं इसका मैं ये बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम 5:30 हुए हैं तो काफ़ी टाइम है, तो इस वजह से उतनी देर में मैं शरबत बना लेती हूँ। टमाटर एक प्रेशर देने से देखिए कितना पानी छोड़ता है, अब इसको मैं अच्छी तरीके से मैश करना है ताकि ये टमाटर दिखे ना। तो ये देखिए ये बन के तैयार है टमाटर और अंडे, देखिए कितने टेस्टी बने हैं। अब मैं कपड़े भी अभी धो ही रही हूँ, तो यहाँ से मैंने शरबत भी बना लिया है। अब मैं जा रही हूँ कचौड़ियाँ बनाने, तो बस कपड़े भी हो जाएंगे, 2 राउंड के और रह गए। खाना भी बनाओ कपड़े भी धो, थक जाता है ऊपर नीचे हो के इंसान। तो जब कचौड़ियाँ बन जाती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लेयर कितने सारे हैं, तो ये इसका मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ किस तरीके से मैंने बनाया है। अब क्या करना है हमें, इधर साइड से ना इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है, जैसे कि हम करेंगे प्रेस, या तो आप चाहो तो बेलन भी मार सकते हो, उधर साइड से लेयर वाली साइड से नहीं, इस साइड से। तो थोड़ा सा हम इसको पतला कर देंगे, ये देखिए ये हो गया बस इतना, ताकि ये लेयर हमारी दिखे। तो इधर से हम लेंगे आलू का स्टफ, आलू में वही जो डालते हैं प्याज धनिया वगैरह जो आपको मैंने दिखाया था, और इसको इस तरीके से ना हम बंद कर देंगे बस, जैसे हम कचौड़ी नहीं बनाते हैं इस तरीके से हम इसको बंद कर दिए बस। अगर आपका खुलता है तो आप इस पर पानी भी लगा सकते हो। तो बस ये देखिए ये हमारा लेयर वाला बन के तैयार है, वो देखिए आधे में फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा आप शॉर्ट वीडियो देख लेना किस तरीके से मैंने बनाया है, और प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग पूरा देखा कीजिए। तो जब ये फ्राई हो जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ। बस 3 रोज़े और रह गए, तो फिर बाद में रमज़ान की बहुत याद आती है। चलिए फिर बस ये हो जाते हैं, देखिए कहाँ गया दूसरा चमचा एक। तो ये देखिए हाई टू लो फ्लेम करके हमें इसे पकाना है, तब ये क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए कितनी लेयर दिख रही है ना, इस तरीके से तब बनेंगे जब हमें लो फ्लेम में करना, ज़्यादा हाई में नहीं, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत ही रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो अब मैं आपको तो बस अभी इफ्तारी को 15 मिनट है, हाँ तो ये मैंने लगा दिया है। तो आज की हमारी इफ्तार ये है, खाने में मैंने बनाया है अंडे परांठे अंडे और टमाटर, सॉरी हो जाता है वो। देखो मुनीब साहब सोए में, आज नहीं हमारे साथ इफ्तार करने में। तो बस महनूर भी वेट कर रही है, 15 मिनट रह गए हैं बस। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा ब्लॉग को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। और ये वाली कचौड़ी ज़रूर बनाइए, देखिए कितनी अच्छी लेयर वाली कचौड़ी है, तो ये ज़रूर बना के खाइए, बहुत ही क्रिस्पी होती है। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।